सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लिंकिंग डिवाइस का एक टेस्ट रखेंगे। इस टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में विद्यार्थियों से जो मेरी बात हो रही है, तो एक बात हमें समझ में आई कि बच्चों को फर्स्ट यूनिट में अनसीन पैसेज में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो आ रही है लिंकिंग डिवाइस की समस्या। तो आज इस सेशन के बाद में निश्चित रूप से आपकी लिंकिंग डिवाइस की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या अब नहीं रहेगी। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम आज का टेस्ट शुरू करते हैं। सभी लोग के बहुत ईमानदारी से टेस्ट दें और पूरा टेस्ट दें ताकि आपको इसका पूरा फायदा भी मिले। पहला क्वेश्चन देखिएगा। 5 मिलिटेंट्स इंक्लूडिंग ए 14-year-old बॉय वर किल्ड इन टू सेपरेट एनकाउंटर्स इन साउथ कश्मीर। आपको बताना है कि अंडरलाइंड लिंकिंग डिवाइस किस बात को इंडिकेट कर रही है। अंडरलाइंड लिंकिंग डिवाइस है वो कौन सी है? इंक्लूडिंग है। आपको बताना है कि इंक्लूडिंग जो लिंकिंग डिवाइस है, इनमें से कौन से फंक्शन को करती है, इनमें से किस बात को इंडिकेट करती है। पहला ऑप्शन है एडिशन। क्या ये दो बातों को जोड़ती है, ऐड करती है? एडिशन का मतलब ऐड करने से मतलब होता है। कंट्रास्ट, क्या ये दो विरोधाभासी बातों को जोड़ रही है? सीक्वेंस, क्या ये बातों को सीक्वेंस यानी क्रम में रख रही है? या फिर कंपैरिजन, क्या ये तुलना कर रही है? तो निश्चित रूप से इंक्लूडिंग जो लिंकिंग डिवाइस होती है वो ऐड करने के काम आती है, एडिशन करने के काम आती है। इंक्लूडिंग एज वेल एज इंक्लूडिंग बिसाइड्स एंड, ये कुछ लिंकिंग डिवाइस हैं जो एडिशन का काम करती हैं। तो पहले का जो आंसर है वो है एडिशन। फटाफट हम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग भी फटाफट आंसर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यू टू द राइज इन द ऑयल प्राइसेस की बढ़ोतरी की वजह से। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण। द इंफॉर्मेशन रेट, इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसप्रिंट है, इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, जो महंगाई बढ़ने की दर है रोज बाई 1.2%। आपको बताना है द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द सेंटेंस इंडिकेट्स, इसमें जो लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है वो किस बात की तरफ इशारा करती है, किस बात को इंडिकेट करती है। आपके दो काम हो गए यहां। पहला तो ये है कि आप इस सेंटेंस में लिंकिंग डिवाइस ढूंढें और फिर ये बताएं कि वो लिंकिंग डिवाइस किस फंक्शन को कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस बात को इंडिकेट कर रही है। क्लियर होगी बात? तो इसमें जो लिंकिंग डिवाइस है वो है ड्यू टू। पूरे सेंटेंस में एक ही लिंकिंग डिवाइस है और वो कौन सी है? ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से। इसका मतलब ये रीजन या फिर कोज बता रही है, एडिशन नहीं बता रही है, कंट्रास्ट नहीं बता रही है, सीक्वेंस भी नहीं बता रही है, ये रीजन और कोज बता रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में। इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त में। फार्मर्स मूवमेंट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये सेंटेंस है। इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इंडिकेट्स, ये जो लिंकिंग डिवाइस है किस बात की तरफ इशारा करती है, ये किस बात के लिए यूज की जाती है, किस बात को कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इस बात को सिक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सिक्वेंस में रखने के लिए? नाउ नॉट एट ऑल। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, विरोधाभासी बातों को जोड़ने के लिए? नाउ। गिविंग अ रीजन, इसका भी नहीं है, ये समरी बताती है। क्या बताती है भैया? समरी बताती है, किसी बात को समाप्त करना होता है तब हम लिखते हैं इन शॉर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। द फैक्ट इज, तथ्य यह है। द फैक्ट इज, इफ यू आर नॉट कंटेंट व्हेन यू पजेस अ लिटिल, जब आप लिटिल, जब आप थोड़ा आपके पास है तब आप संतुष्ट नहीं है। यू विल नॉट बी कंटेंट इवन व्हेन यू पजेस अ लॉट, तो आप तब भी संतुष्ट नहीं होंगे जब आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएगा।
आपको बताना है कि हाउ मेनी कंजंक्शन हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। लिंकिंग डिवाइस में सामान्यतः दो ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कितने कंजंक्शन हैं, या तो ये पूछते हैं या पूछते हैं कि ये कंजंक्शन किस बात को इंडिकेट करता है, इसका फंक्शन क्या है। दो ही तो चीज पूछते हैं। देखिएगा इसमें कितने हैं, पढ़ के देखिएगा पता चलेगा। द फैक्ट इज इफ एक कंजंक्शन होता है, द फैक्ट इज इफ यू आर नॉट कंटेंट व्हेन, ये भी कंजंक्शन होता है। उसके बाद में इवन व्हेन, इसको एक ही कंजंक्शन मानेंगे इवन व्हेन को, तो कितने कंजंक्शन हो गए इसमें, तीन कंजंक्शन हो गए, ये क्लियर हो गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि किसी बच्चे को हो फिर भी, तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनके पास मेरे नंबर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, मैंने नंबर दिए हुए हैं, तो उन पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, देखिएगा बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हमने डालने की कोशिश की, अब तो आंसर करो फटाफट। ओविंग टू द हाई डिमांड, हाई डिमांड की वजह से वी आर अनेबल टू सप्लाई ऑल आइटम्स विद इन 3 days, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबाउट सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सी लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है। क्या हाई लिंकिंग डिवाइस है, नहीं, हाई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव लिंकिंग डिवाइस नहीं है, अनेबल भी ऑल भी ये नहीं है, तो लिंकिंग डिवाइस कौन सी है, ओविंग टू लिंकिंग डिवाइस है। बताइएगा कि ओविंग टू लिंकिंग डिवाइस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बता रही है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस बात को इंडिकेट करती है, तो ये भी रीजन, reason, रीजन, या फिर कॉज को इंडिकेट करती है, इट इंपार्ट्स रीजन और कॉज, क्लियर। नेक्स्ट चलो भाई फटाफट क्वेश्चंस, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, एक सेकंड में फटाफट बोलिएगा। ही वर्क्ड हार्ड हाउ एवर कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना, एग्जामिनेशन होता है इसका, ई की मात्रा होती है एग्जामिनेशन, ए की नहीं होती है ये, यहाँ देखो पूछेंगे आपसे ये कौन सी साउंड है, तो ये ई की साउंड, ये इस प्रकार की साउंड होती है, ये नहीं होती है, ये होती है। आपको बताना है कि लिंकिंग डिवाइस, द लिंकिंग डिवाइस यूज द सेंटेंस इंडिकेट, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, हाउ एवर का मतलब फिर भी, हार्ड वर्क किया फिर भी क्या नहीं हो पाए, इसका मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट चीजें हैं, तो अपोजिट चीजें बताने वाली चीजें क्या करती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होती है, आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट करती हैं, विरोधाभास होता है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा फटाफट। देर आर टू प्रॉब्लम्स नेमली द एक्सपेंस एंड द टाइम, दो समस्याएं हैं, दो समस्याएं हैं। There are two problems, namely, जो कौन कौन सी हैं? एक तो expense, खर्चा है, और दूसरा है time. आपसे पूछा how many linking devices have been used in the above sentence? कितनी linking device इसमें use हुई हैं? निश्चित रूप से इसमें दो linking device use हुई हैं, एक namely और एक कौन सा? And, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा? C, इसका सही answer हो जाएगा। Next चलते हैं। We discussed training, education and the budget. We discussed, ये टै की साउंड होती है, जब से के साथ ईडी लगती है तो वो क्या बोला जाता है, टै बोला जाता है, ASKED, इसको asked नहीं बोला जाता, asked बोला जाता है, इसी तरह से इसको discussed बोला जाता है। We discussed training, education and को underline किया हुआ है, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, देखते हैं। The function of the underlined linking device in the above sentence, and का क्या function है, बताओ भाई and क्या काम करता है, सब जानते हैं and क्या काम करता है, adding information, information जोड़ता है क्या, contrasting, summarizing या none of the above, निश्चित रूप से क्या करता है, and add करता है, and क्या करता है, add करता है, addition करता है, तो इसका सही answer ये हो गया। Next sentence देखेगा, next sentence क्या है, We are concerned not only by the cost. हमें चिंता है न केवल किसकी, कॉस्ट की, but also, not only but also by the competition. हमें कॉम्पिटिशन की भी चिंता है, न केवल कॉस्ट की बल्कि किसकी है, कॉम्पिटिशन की भी चिंता है।
हाउ मैनी कंजंक्शन हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये यूज हुए हैं। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, दो कंजंक्शन साथ साथ चलते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, उसके अलावा इसमें कोई यूज हुआ नहीं है। आगे चलिएगा, यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर योर नॉलेज, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपके जीवन में काम आने वाला सेंटेंस है। यू आर नॉट ओनली रिवॉर्डेड फॉर योर नॉलेज, नॉलेज नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे, बट फॉर योर परफॉर्मेंस, आपको कितना नॉलेज है इसका कोई मतलब नहीं निकलता, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे विद्वान भाई बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करके आए तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए आप अपने नॉलेज का क्या करें, एग्जाम में यूज करें, तभी जाके आपको, चलो हम तो अपने मतलब पे आते हैं। हाउ मेनी कंजंक्शन हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं, देखते हैं, फॉर कंजंक्शन नहीं है बट एकमात्र कंजंक्शन है इसमें। यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर योर नॉलेज बट फॉर द परफॉर्मेंस, तो एक ही कंजंक्शन है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड अंटिल दे आर कन्वर्टेड इंटू रिजल्ट्स, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, आपके प्रयासों को इनाम नहीं मिलती है जब तक कि उनको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर दिया जाए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबके सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, यदि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुई आपकी मेहनत तो आपको क्या नहीं मिलना है, रिवॉर्ड नहीं मिलना है। तो यहां जो अंडरलाइन कंजंक्शन है वो कौन सा है, अंटिल है, यानी जब तक, अंटिल क्या है, जब तक बताया हुआ है, और कॉन्ट्रास्ट नहीं है, एडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, गिविंग एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या है, एक्सटेंट ऑफ टाइम बता रहा है, ये समय की सीमा बता रहा है। आगे देखिएगा, दोज हु आर एक्सपर्ट इन मासलिंग देयर सेंटिमेंट्स, वे लोग जो एक्सपर्ट हैं क्या करने में, मासल करने में, नियंत्रित करने में, देयर सेंटिमेंट्स अपनी भावनाओं को, आर कैपिटुलेटेड, वो सक्सेस तक पहुंचते हैं इन द फील्ड ऑफ वर्क, काम में, डिस्पाइट ओवरवेलमिंग ऑड्स, बहुत ज़्यादा विपदाओं के बाद भी कहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी सफलता तक पहुँचते हैं। Identify the linking device which indicates contrast of ideas. आपको इस सेंटेंस में उस लिंकिंग डिवाइस को ढूंढना है जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज बताती है, जो विरोधाभासी चीजों को बताने के लिए यूज होती है, कौन सी भाई, वो despite, तो देखिएगा ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो ये था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम, आप लोग आंसर करते रहिएगा सारे के सारे बच्चे। 10 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, 10 स्टेट हैं इंक्लूडिंग किसको शामिल करते हुए, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड राजस्थान, है सोन स्टीप ढालू तेज राइज बढ़ोतरी इन डेली कोविड केसेस, अभी इन डेली कोविड केसेस रिजल्टिंग इन, इतना परसेंट हो गया है, ये कल के न्यूज़पेपर से लिया भाई मैंने, कि 10 स्टेट्स इंक्लूड, आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिएगा आप। तो हाउ मेनी लिंकिंग डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, कई बार क्या होता है कि सर हमें इस सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप तो लिंकिंग डिवाइस पे टारगेट कीजिएगा बस, इसमें एक लिंकिंग डिवाइस है इंक्लूडिंग, दूसरी लिंकिंग डिवाइस है एंड, इन द रिजल्टिंग इन, ये भी लिंकिंग डिवाइस है, तो कितनी लिंकिंग डिवाइस हो गई इसमें, 3 लिंकिंग डिवाइस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, वी आर इंटरेस्टेड इन कॉस्ट एज वेल एज कॉम्पिटिशन, हम कॉस्ट और एज वेल एज, आपको बताया है अंडरलाइन क्या किया हुआ है, एज वेल एज किया हुआ है। द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इन द अबव सेंटेंस इज, इसका क्या फंक्शन है, एज वेल एज का मैंने आपको पहले बताया है कि एड करने के काम आते हैं, एडिशन करने के काम आते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर एडिशन, गिविंग एग्जाम्पल नहीं, एक्सटेंट ऑफ टाइम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिसाइड साइकोलॉजी इंग्लिश इज ऑल्सो ए ट्रिकी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, अंडरलाइंड लिंकिंग डिवाइस किस बात को इंडिकेट करती है,
बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, यानी ये तो है ही इसके साथ साथ ये, तो बिसाइड्स भी एडिशन बताता है, कॉन्ट्रास्ट नहीं बताता है, सिक्वेंस नहीं बताता है, रीजन नहीं बताता, क्या बताता है, एडिशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वेन आवर इंटेंशन इज इम्प्योर, जब हमारा इंटेंशन उद्देश्य अपवित्र होता है, द सोल डज नॉट एक्सपीरियंस द डिवाइन ब्लिस ऑफ गॉड। आपको मीनिंग नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, द अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इंडिकेट, यानी वेन क्या बता रहा है, वेन जब तक आवर इंटेंशन इज नॉट इम्प्योर, जब तक हमारा इंटेंशन क्या है, अपवित्र है, हमारी सोल को क्या नहीं मिलेगा, डिवाइन ब्लिस ऑफ गॉड नहीं मिलेगा। तो क्या बता रहा है ये, कंडीशन बता रहा है ये, जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा, वेन यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस, वेन यू डोंट वर्क हार्ड, जब आप हार्ड वर्क नहीं करते यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो वेन क्या है यहाँ, कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बताने वाले और कौन कौन से वर्ड होते हैं, इफ होता है कंडीशन बताने वाला, इफ, अनलेस, अनलेस बताता है कंडीशन, प्रोवाइडिंग, PROVIDING, प्रोवाइडिंग भी क्या बताता है, कंडीशन बताता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्चुअली आई हैव स्टोलन नथिंग, एक्चुअली आई हैव स्टोलन नथिंग बट द सैंडल्स ऑफ द गर्ल्स, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं चुराया, केवल लड़कियों की चप्पल चुराई थी, दैट टू फ्रॉम द विलेज वेल, इसको विलेज नहीं विलेज बोलेंगे, वो भी गांव के कुएं से। आपको बताना है हाउ मेनी लिंकिंग डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितनी लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है। देखो एक्चुअली एक लिंकिंग डिवाइस है, बट दूसरी लिंकिंग डिवाइस है, दैट टू एक ही है, वो भी तीन लिंकिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें तीन लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सी टेल्स लाई, मैं नहीं जानता कि वो क्यों झूठ बोलती है। अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस क्या बता रही है, निश्चित रूप से रीजन बता रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सी टेल्स लाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीजन। आगे देखिएगा, देखो भाई अपन यदि ऐसा कुछ है कि कोई अपन अभी पढ़ रहे हैं, कोई यदि लिंकिंग डिवाइस छूट भी जाए किसी में, मानो कोई सेंटेंस में अपन ने देखा कि चार हैं और अपन ने वहाँ छूट गए तीन ही है, तो आप मैसेज करके मुझे बता दें कि सर इसमें ये है या नहीं है, होगा तो मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूंगा। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बहुत ठीक ढंग से एक एक लिंकिंग डिवाइस को देख लें पूरे सेंटेंस में। पहले, द मॉडर्न यूथ आर मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग देन द प्रीवियस जनरेशन, द अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इंडिकेट्स, देन क्या बता रहा है, देन कंपेरिजन बताता है, देन तुलना बताता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, वी वर टोल्ड दैट क्रिएटिविटी इज रेयर एंड मिस्टीरियस, दैट ओनली आर्टिस्ट आर क्रिएटिव, हाउ मेनी लिंकिंग डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, धीरे धीरे कर लेते हैं। वी वर टोल्ड दैट, एक तो ये लिंकिंग डिवाइस है, हमें बताया गया कि क्रिएटिविटी इज रेयर, दूसरी ये एंड है, ये भी हो गया, तीसरी दैट है, ओनली नहीं होती। ठीक है, तो कितने हो गए इसमें, तीन लिंकिंग डिवाइस इसमें यूज हुई हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कितनी लिंकिंग डिवाइस, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीन का है, तो इसको हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आई विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज, मैं क्या बनाऊंगा, फ्रेंड्स बनाना पसंद करूंगा, किसकी बजाय, दुश्मनों की बजाय, क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बजाय, इसकी बजाय ये, कंपैरिजन नहीं, सीक्वेंस नहीं, रीजन नहीं, अल्टरनेटिव विकल्प बताने के लिए, इस विकल्प की बजाय ये विकल्प मैं यूज करना चाहूंगा, तो इंस्टीड ऑफ क्या बताता है, एक्सप्रेस अल्टरनेटिव बताता है, तो ये यदि अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता, अल्टरनेटिव ऑप्शन यदि नहीं होता इसमें और इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता, तो हम इसको कंपैरिजन को फिर यहाँ सेलेक्ट करते, क्योंकि आंसर जो होते हैं ऑप्शन के हिसाब से आपको देने होते हैं। ठीक है, जो निकटतम जो आंसर होता है वो आंसर आपको करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, द ऑर्केस्ट्रा हैड ए डिस्टिंक्टिवली वार्म एंड मेलो साउंड, आपको था डिस्टिंक्टिवली कम लोग कहता है बिल्कुल स्पष्ट, एकदम डिस्टिंक्टिवली कम लोग होता है बिल्कुल स्पष्ट, अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इज यूज टू एक्सप्रेस कंपेरिजन नहीं,
सीक्वेंस नहीं, पर्टिकुलराइज विशेष, जिस किसी बात को आप विशेष रूप से कहते हैं, पर्टिकुलर रूप से कहते हैं, डिस्टिंक्टिवली कहते हैं, तो इसका सही आंसर भी क्या है, सी आंसर है, एक्सप्रेस अल्टरनेटिव इसका नहीं है। आगे देखिएगा, व्हाइल द मेडिसिन हैज अ फ्यू साइड इफेक्ट्स इट इज नंदलेस फिर भी इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज एंड इम्यूनिटी। देखिए क्या कह रहा है, मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, फिर भी ये इफेक्टिव है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डिजीज एंड इम्यूनिटी। देखते हैं कहाँ, हाउ मेनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। तो व्हाइल कंजंक्शन है 100%, नंदलेस कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, तीन कंजंक्शन इसमें यूज हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 देखिएगा, वेयर एज आई एम ए वेजिटेरियन माई होल फैमिली ईट्स मीट, जबकि मैं वेजिटेरियन हूँ मेरी पूरी फैमिली क्या करती है, मीट खाती है। लिंकिंग डिवाइस यूज इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स, पहला काम तो ये है कि लिंकिंग डिवाइस ढूंढें, हमने ढूंढ लिया कौन है, वेयर एज है, अब आपको बताना है कि क्या इंडिकेट करती है। तो जबकि कंपेरिजन करती है तो मैं खाता हूँ फैमिली नहीं खाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंपेरिजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिस पर्सन शुड नॉट बी हैंग्ड, इस आदमी को नहीं लटकाया जाना चाहिए, फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही इज द ओनली सन ऑफ ए ब्लाइंड एंड ओल्ड मैन। हाउ मेनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, पहला बिकॉज एक यूज हुआ है और दूसरा कौन सा है, एंड यूज हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, दो है। आगे लिखिएगा, समझिएगा, मॉडर्न पीपल प्रीफर सच स्मॉल, मॉडर्न पीपल जो हैं वो स्मॉल फैमिलीज, छोटे छोटे फैमिलीज प्रेफर करते हैं, स्टिल फिर भी सम पेरेंट्स आर ऑफन हियर कंप्लेनिंग, फिर भी कुछ पेरेंट्स को कंप्लेन करते हुए सुना जाता है अबाउट देम, उनके बारे में, द लिंकिंग डिवाइस इज हियर, तो ये इसमें स्टिल लिंकिंग डिवाइस है। कई बच्चों को लगेगा कि सर ऑफन भी लिंकिंग डिवाइस है, ये नहीं है, कई बच्चों को लगेगा सच लिंकिंग डिवाइस है, ये भी नहीं है, तो आपको क्या बताना है, ये बताना है, स्टिल ये तो है ही है नहीं। इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी, तो एक बार तो इसको तो अंडरलाइन करो कि लिंकिंग डिवाइस है, बोथ नीड टू बी रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेंटिटी ऑफ फैमिली, आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट पूछेगा, इसका फंक्शन पूछेगा, इन ऑर्डर टू पर्पज बताता है, क्या बताता है भाई, पर्पज बताता है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, एक वर्ड होता है इन ऑर्डर दैट, ये भी पर्पज बताता है, एक वर्ड होता है शो दैट, शो दैट ये भी पर्पज बताता है, तो इसमें पर्पज वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इन जनरल आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, सामान्यतः हमारा देश एक अच्छा महान देश है, वी हैव हैड फॉर सेंचुरीज ए ग्रेट हिस्ट्री, हमारे पास सदियों से एक इतिहास है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि लिंकिंग वर्ड कौन सा है, तो लिंकिंग वर्ड है इन जनरल, तो ये इसका लिंकिंग डिवाइस और लिंकिंग वर्ड है। अनडाउटेडली बिना किसी शक संदेह के, कैरेक्टर इज दैट एंड विच, दोबारा देखते हैं कहाँ, अनडाउटेडली द लिंकिंग डिवाइस अनडाउटेडली इज यूज, आगे क्या है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, अनडाउटेडली कैरेक्टर इज दैट विच द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन ऑन विच है, अनडाउटेडली कैरेक्टर इज दैट ऑन विच द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज बिल्ट, चरित्र वो चीज है जिसपे राष्ट्र का निर्माण होता है, उसके भाग्य का निर्माण होता है, अनडाउटेडली किसके लिए यूज हुआ है, अनडाउटेडली कॉन्ट्रास्ट तो नहीं बता रहा है, इम्फेसाइज कर रहा, हाँ ये क्या कर रहा है, इम्फेसाइज जोर दे रहा है कि निश्चित रूप से ऐसा ही है, टू नो द आइडिया ये भी नहीं है, टू मेक द आइडिया एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस को स्पष्ट करना, किसी चीज को स्पष्ट भी नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश एंड संस्कृत आर गुड लैंग्वेजेस, दोनों भाषाएं अच्छी हैं, बट लेकिन आई वुड ओनली रिकमेंड द लेटर, मैं दूसरी वाली को रिकमेंड करूंगा एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा आपको सेलेक्ट करनी है तो इंग्लिश के लिए कहूंगा, आपको बताना है कि अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, लेटर ये ऑर्डर बताता है, बाद वाला पहले वाला, तो ये ऑर्डर बताएगा, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर, कॉन्ट्रास्ट एडिशन ये नहीं है, क्या है इसका आंसर, सीक्वेंस या ऑर्डर है। उसके बाद देखते हैं,
मार्केटिंग प्लान्स गिव अस एन आइडिया ऑफ द पोटेंशियल मार्केट, मोर ओवर इससे भी ज़्यादा दे टेल अस अबाउट द कॉम्पिटिशन, तो आपको बताना है मोर ओवर किस बात को इशारा कर रहा है। देखिएगा पहला एडिंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग रीजन, सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज किस बात की तरफ इशारा कर, मोर ओवर और ज़्यादा ये और फिर ये, तो मोर ओवर वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एड करते हैं, ये भी और इसके बाद ये भी। द सोरो विच इज सफरिंग हैज नॉट बीन बेस्टोड अपॉन हिम बाई गॉड बट क्रिएटेड बाई हिमसेल्फ, दुख जो वो सहन कर रहा है वो भगवान ने नहीं भेजा है बल्कि उसके द्वारा खुद के द्वारा क्रिएटेड है। हाउ मैनी कंजंक्शन हैव बीन यूज इन द अबाउट सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं देखते हैं। एक तो विच है, उसके बाद हैज नॉट बीन बेस्टोड अपॉन बाई नहीं है, दूसरा बेट है, तो दो ही कंजंक्शन है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, फुलफिल योर ड्यूटी एंड यू विल नॉट बी अंडररेटेड बाय हिम, हिम भगवान है, अपना कर्तव्य निभाइएगा और भगवान आपको अंडररेट नहीं करेगा। द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द सेंटेंस इन पार्ट्स, लिंकिंग डिवाइस है कहां पहले तो ये देखनी पड़ेगी कहां है इसमें। फुलफिल योर ड्यूटीज एंड एंड लिंकिंग डिवाइस है इसमें, एंड यू विल नॉट बी अंडररेटेड बाय गॉड, सिक्वेंस एम्फेसिस रिजल्ट, रिजल्ट बता रहा है क्या कर रहा है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, एंड क्या बता रहा है यहां, रिजल्ट बता रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा एंड सेंटेंस को समझ के देखेंगे हम। फुलफिल योर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज पूरी कीजिएगा और भगवान आपको कभी अंडररेटेड नहीं समझेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा और ये एंड क्या कर रहा है, रिजल्ट को बता रहा है। द कार विल कीप रनिंग एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट, कार दौड़ती जाएगी जब तक आप क्या करेंगे इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये क्या है, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस या कंडीशन, निश्चित रूप से क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग, ये लिंकिंग डिवाइस है प्रोवाइडिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इफ वेन अनलेस ये सब कंडीशन बताते हैं, इफ वेन अनलेस कंडीशन बताते हैं, तो प्रोवाइडिंग क्या बताता है, कंडीशन बताता है, पूरा सेंटेंस नहीं भी समझ आए तो यही समझ आए। प्रोवाइडिंग नो वन हैज एनी मोर क्वेश्चन, यदि किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है वी कैन फिनिश द लेसन, तो हम लेसन को फिनिश कर देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडीशन। उसके बाद देखिएगा अनलेस, इस सेंटेंस में अनलेस है, अनलेस आई हैड वॉक्ड इन द रेन लास्ट वीक, यदि मैं ऐसा नहीं करता, अनलेस का मतलब इफ होता है, यदि मैं कल बरसात में बाहर नहीं जाता आई वुड नॉट हैव बीन सिक, तो मैं बीमार नहीं होता, तो अनलेस का ही पूछेगा इसमें। द लिंकिंग डिवाइस यूज इन द अबाउट सेंटेंस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है, पहले तो ढूंढना था क्या थी, अनलेस, और उसके बाद बताना था कि वो किस बात को इंडिकेट कर रही है, तो निश्चित रूप से कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद देखते हैं, आई विल गो बाई कार, मैं कार से जाऊंगा सो दैट, ताकि आई कैन टेक मोर लगेज, ताकि मैं ज्यादा लगेज ले जा सकूं, सो दैट लिंकिंग डिवाइस है, और ये किस बात को इंडिकेट कर रही है, सो दैट पर्पज को बता रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इन ऑर्डर टू ठीक है, बचे हुए दो कौन से बताए थे, आप फटाफट लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। इन ऑर्डर टू प्ले द गेम, गेम खेलने के लिए वी मस्ट हैव टू कंप्यूटर्स, इन ऑर्डर टू हमें दो कंप्यूटर चाहिए। द लिंकिंग डिवाइस यूज इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट पर्पज। उसके बाद देखिएगा, आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था दैट कि एनी वन हु रॉट मच, जिसने बहुत ज्यादा लिखा है, वुड हैव कोरेस्पॉन्डिंगली लेस टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, वो बाकी सब चीजों के लिए उसके पास कम समय रहेगा। हाउ मेनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, सबसे पहले तो दैट, उसके बाद देखिएगा हु, कोरेस्पॉन्डिंगली, अच्छा कंजंक्शन पूछा है सिर्फ, लिंकिंग डिवाइस नहीं पूछा है, कोरेस्पॉन्डिंगली लिंकिंग डिवाइस होती है लेकिन कंजंक्शन नहीं होता है, उसके बाद कोई कंजंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, दिख रहा है कहीं कंजंक्शन नहीं, और कोई कंजंक्शन नहीं है, एल्स भी कंजंक्शन नहीं है, दैट हु दो ही कंजंक्शन है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आई यूज टू थिंक दैट एनी वन हु रॉट मच
ये ऊपर वाला ही सेंटेंस है, इसमें ये पूछ लिया कि कोरेस्पोंडिंगली जो है ये किस बात को इंडिकेट करता है। कोरेस्पोंडिंगली ये सिमिलियरिटी को इंडिकेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से कोरेस्पोंडिंगली उसी के अनुसार सिमिलियरिटी बताता है। मदर वेंट शॉपिंग व्हाइल आई क्लीन द हाउस, मम्मी शॉपिंग के लिए गई जबकि मैंने क्या किया, घर साफ किया। तो निश्चित रूप से ये क्या बता रहा है, मैन वाइल जबकि नहीं उसी दौरान, मैन वाइल वाइल नहीं है ये, देखो ध्यान रखना, एक तो वाइल होता है और एक क्या होता है मैन वाइल, मैन वाइल का मतलब तो उसी समय, तो ये बता रहा है टाइम, और वाइल होता तो एक कॉन्ट्रास्ट बताता, कॉन्ट्रास्ट बताता। टू सम अप, सम अप आप जानते हैं क्या बताता है, समराइज करने के काम आता है सम अप। देर आर थ्री मेन वेज ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम, आगे क्या लिखा हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ गया, हमें सम अप का मतलब क्या होता है समराइज करना होता है। उसके बाद देखिएगा, द टीम विल डेफिनेटली पक्का ही लूज इफ ही डज नॉट प्ले, यदि वो नहीं खेलता है तो टीम डेफिनेटली क्या करेगी, तो डेफिनेटली का मतलब होता है इम्फेसाइज करने के लिए है, बात पर जोर देने के लिए है। और यदि मानो ये डेफिनेटली की बजाय इसको अंडरलाइन कर देता तो इफ को, तो ये कंडीशन हो जाता, इफ को होता तो क्या हो जाता, कंडीशन हो जाता। आगे देखते हैं, ए फूल एट 40 इज अ फूल इंडीड, 40 साल की उम्र में भी यदि मूर्ख है तो पक्का ही मूर्ख है। इसमें कौन सी लिंकिंग डिवाइस है, इसमें इंडीड लिंकिंग डिवाइस है बेटा, इंडीड वास्तव में, ये भी इम्फेसिस के लिए यूज होती है, ई एम पी एच ए एस आई एस, इम्फेसिस के लिए यूज होती है ये भी। तो क्या पूछा है इसमें, ये पूछा है कि कौन सी लिंकिंग डिवाइस है और वो क्या इंडिकेट कर रही है, तो इंडीड है और किसको इंडिकेट कर रही है, इम्फेसिस को इंडिकेट कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट वेक अप अर्ली, जल्दी नहीं उठा, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, रिजल्ट बता रही है कॉन्सिक्वेंटली क्या, ही वॉज लेट टू वर्क, तो अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस क्या बता रही है, रिजल्ट बता रही है, तो ये इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन ये कंप्लीट कर देना चाहिए। आप बताना जरूर आपके 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक हुए। थैंक यू वेरी मच।